जिंदगी के थकान से जब कभी आप जीना ही भूल जाते हैं, लगता है ना कि शायद एक रीसेट बटन होता, शायद एक ऐसी जगह होती जहाँ पे जाके हम फिर से जीना सीख लेते। हमारी ये कहानी है ऐसी एक जगह के बारे में जहाँ पे जिंदगी बिताई नहीं जाती, जी जाती है। नॉर्थ गोवा के चर्चेस, खूबसूरत व्यू पॉइंट्स और एक शानदार गोवन मिल के बाद इन मुसाफिरों का कारवा आगे बढ़ चला बोटिंग की तरफ। वैसे अगर आपने हमारे इस गोवा सीरीज का पहला एपिसोड मिस किया है, यू कैन गेट द लिंक टू द वीडियो इन द आई बटन अबव। वाइल गोवा इज फेमस फॉर द ब्यूटीफुल अरेबियन सी और उसके बीचेस के लिए, गोवा के अंदर लगभग 11 छोटी से बड़ी नदियाँ भी है। इन नदियों में सबसे इम्पोर्टेंट है मांडोवी और जुवारी नदी। लगभग पूरे गोवा का फ्रेश वाटर रिक्वायरमेंट इज सपोर्टेड बाय दिस एक्सटेंसिव रिवर सिस्टम। लेकिन हमारा मंजिल था इनमें से ही एक छोटी सी नदी कॉल द नेरुल रिवर। कैंडलम के रास्ते आता है नॉर्थ गोवा का ये छोटा सा विलेज नेरुल, और इसी गांव के बगल में है ये छोटी सी नेरुल रिवर। गोवा की पॉपुलर पार्टी वाइब्स और हलचल से दूर ये मानो एक अलग ही दुनिया है। मैंग्रोव और कोकोनट से घिरा हुआ इस छोटे से चैनल से गुजरते हुए लग रहा था समय जैसे रुक सा गया है। अगर आप गोवा का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो शायद गोवा के हलचल से दूर कुछ घंटे के लिए ये एक्टिविटी आप आपके आइटनरी में रख ही सकते हैं। गोवा के इतिहास के साथ जुड़ा हुआ एक और इम्पोर्टेंट जगह है अगुआडा फोर्ट। सन 1612 में ये फोर्ट बनाया गया था एज अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डच एग्रेशन। सन 1864 में बना ये पुरानी लाइट हाउस इज वन ऑफ द मेजर अट्रैक्शन ऑफ दिस प्लेस। द वर्ड अगुआडा इन पोर्तुगीज मीन्स वाटरी। कहा जाता है कि इस किले के अंदर बसा एक फ्रेश वाटर स्प्रिंग से यहाँ आने वाले हर शिप को फ्रेश वाटर सप्लाई किया जाता था, और इसी से इस जगह का नाम पड़ा अगुआडा। अगुआडा फोर्ट के नीचे कुछ दूर चलते ही आपको मिलेगा अगुआडा सेंट्रल जेल। भारत के इंडिपेंडेंस के बाद भी दिस जेल वॉज फंक्शनल फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इनफैक्ट इट इज क्वाइट रिसेंटली इन द ईयर 2015 यहाँ के सरकार ने डिसाइड किया टू रेनोवेट दिस प्लेस एंड ओपन इट अप फॉर द नॉर्मल पब्लिक। ओल्ड पोर्तुगीज आर्किटेक्चर, यहाँ का इतिहास और अरेबियन सी का ऐसा खूबसूरत व्यू देख के इस मुसाफिर ने भी मानो अपने आप को इस जगह के हवाले कर दिया। कैंडलिम बीच पे समुन्द्र के लहरों के साथ जैसे ही एक नई सुबह हुई, ये मुसाफिर निकल पड़ा ओल्ड गोवा के कुछ ऐतिहासिक और खूबसूरत जगहों का दीदार करने। हमारी जो अगली मंजिल थी दैट इज नॉमिनेटेड एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट। और सिर्फ भारत नहीं, लगभग दुनिया के हर एक प्रांत से लोग आते हैं टू विटनेस दिस प्लेस। गोवा के रिलीजियस और कल्चरल इतिहास का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है द चर्च ऑफ बॉम जीसस। 16th सेंचुरी में बना ये रोमन कैथोलिक चर्च पड़ो और पोर्तुगीज कॉलोनियल आर्किटेक्चर का एक अनोखा एग्जाम्पल है, और इसीलिए ओल्ड गोवा के हर एक आइटनरी में दिस प्लेस इज अ मस्ट विजिट। गोवा और बॉलीवुड का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिश्ता है, और इसीलिए बॉम जीसस देखने के बाद समय था फिर से बॉलीवुड में लौट जाने का। 2016 में आई शाहरुख खान और आलिया भट्ट की मूवी
डियर जिंदगी तो शायद आप सभी ने देखी होगी, लेकिन इसी फिल्म के बदौलत गोवा के एक सिंपल से रूट को मानो अचानक से स्टारडम मिल गया था। इंस्टाग्राम रील से लेके यूट्यूब शॉर्ट्स ट्रेंड को फॉलो करते हुए हमारा अगला मंजिल था वही वायरल रास्ता। नॉर्थ गोवा का एक छोटा सा विलेज है पारा, और उसी के बीच में से गुजरता है पाम ट्रीज से घिरा ये खूबसूरत सी रोड। ऑल्दो ऑफिशियली इस रास्ते का नाम है पारा रोड, लेकिन बॉलीवुड और यहाँ आने वाले फैंस के बदौलत दिस प्लेस इज नाउ पॉपुलरली नोन एज डियर जिंदगी रोड। और इसीलिए अगर आप भी आपके नेक्स्ट गोवा ट्रिप में इस रोड के ऊपर अपना एक डीपी क्लिक करना चाहते हैं तो लिंक फॉर द लोकेशन इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। अगले एपिसोड में इस मुसाफिर का कारवा आगे बढ़ चलेगा साउथ गोवा की तरफ। तब तक अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक एंड शेयर, और अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल हंगरी मुसाफिर।